है, जैसे कि मैंने कहा था कि आईटीआई, दरअसल अगर आप बीते दो महीने की आईटीआई की चाल को देखें, जरा प्लीज आईटीआई का स्टॉक लिखाइए, और अगर आप इस दो महीने की चाल को देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाकई इस स्टॉक में सुबहत बढ़ी है। आज हालांकि 82-55 क्लस्टर में है, आप इसके बीते तीन महीने का चार्ट देखिए, आपको लगेगा कि आखिरकार 50 रुपए से लेकर 83 रुपए की ये तेजी आई क्यों, और इसके पीछे अगर आप देखें बहुत सारे कारण हैं जिसके बारे में बातचीत में करूंगा। आज हमारे साथ मिस्टर राकेश मोहन अग्रवाल सीएमडी हैं, कंपनी के जुड़े हैं बातचीत करने के लिए। मिस्टर अग्रवाल नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है सर आपका। और मैं इनफैक्ट इस कार्यक्रम की शुरुआत आपके टॉप लाइन से थोड़ा सा करना चाहूंगा, और मैं इनफैक्ट बीते कुछ क्वार्टर्स स्पेशली अगर आप देखें पिछले 5-7 क्वार्टर से आपके रेवेन्यू के ट्रेंड्स को देख रहा था, इस बार हालांकि बहुत स्ट्रांग रेवेन्यू यानी टॉप लाइन रहा आपका, एग्जैक्टली इस क्वार्टर में ये सब्सटेंशियल इंप्रूवमेंट आया है टॉप लाइन में, इसका कारण क्या था, इसकी ड्राइविंग फोर्सेस क्या थी? बेसिकली आईटीआई एक सिक कंपनी हो चुकी है 2004 में, तो गवर्नमेंट ने इसे रिवाइवल प्लान अप्रूव किया था 2014 में। तो रिवाइवल प्लान में जो मेजर कंपोनेंट था वो केपी इन्वेस्टमेंट था, केपी फ्यूजन था अराउंड 2264 करोड़ का। तो इससे पूरा का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमने इसका अपग्रेड कर दिया था, 5-6 प्लांट हमने इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड किया था। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के बाद में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हमने सभी 5-6 प्लांट में इश्यू कर दी थी। इसके बाद ऑपरेशनल एक्सपेंडिचर को काफ़ी कम किया गया, प्रोजेक्ट्स में जो टेंडरिंग प्रोसेस होता है उसको बहुत ही कॉम्पिटिटिव बिडिंग के थ्रू प्रोजेक्ट्स इस बारे में जीते गए, और अब प्रोजेक्ट्स जो इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस था उसको भी हमने चेंज किया है। पहले हम लोग प्रोजेक्ट्स अपने बैकिंग पार्टनर को दिया करते थे, अब इस प्रोजेक्ट्स को फिलहाल हमने अपने लेवल से अपने आप करना शुरू कर दिया है। इससे नंबर वन इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट, नंबर टू ऑपरेशनल एफिशिएंसी, नंबर थ्री चेंजेस इन द जो हमने चेंजेस किए अपने प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के तरीके को उसको चेंज किया, उसकी वजह से रेवेन्यू टॉप लाइन ही केवल नहीं बढ़ी बल्कि हमारी बॉटम लाइन भी धीरे धीरे करके बढ़ रही है। ओके, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंटेशन के तरीकों को और साथ ही साथ अगर आप देखें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को आपने काफी कम किया है। अच्छा ये बताइए सर, एग्जैक्टली इस वक्त आईटीआई के ऑर्डर बुक की स्थिति क्या है इस क्वार्टर के अंत तक आते आते, या फिर अगर आप मुझे लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में जो आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स थे ऑर्डर बुक के वो कितने थे, इसके बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? अभी हमारी ऑर्डर बुक एज ऑन 30 सितंबर लगभग 6,600 करोड़ रुपए का हमारे पास ऑर्डर्स है, और जिसको हम और अभी हमारे पास लगभग 7,500 करोड़ का जो एपीओ हमारे पास है उसमें मेजर मेन जो मेजर कंपोनेंट है 6,500 करोड़ रुपीज का ये एस्कॉन जो प्रोजेक्ट है फेज फोर का जो आर्मी स्टेटिक नेटवर्क ऑपरेशन वाला जो प्रोजेक्ट है ये हमारे पास जल्दी हमें मिलने वाला है, क्योंकि हम इसमें एलमन 2 साल पहले डिक्लेयर हो गए थे और जो पता लगा है कि एडवांस स्टेज में और तो अगले 1-2 महीने के अंदर ये प्रोजेक्ट हम लोगों को मिल सकता है। तो मतलब मेन अभी इसके अलावा हमने करीब मोर देन 6,000 करोड़ के प्रोजेक्ट्स हमें डिफरेंट स्टेज पे चल रहे हैं जिसमें हम L1 आएंगे तो वो हम लोगों को मिल जाएंगे। इसके अलावा भारत नेट के जो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो गवर्नमेंट बेसिस पे बातचीत चल रही है कि आईटीआई के हॉस्टल की नॉमिनेशन बेसिस पे मिल जाएं। तो अभी 6,500 हमारे पास करंट ऑर्डर बुक है एज ऑन 30 सितंबर, 7,600 का लगभग हमारे पास एडवांस परचेज ऑर्डर से हमारे पास है, लगभग 6,000 करोड़ के हमने ऑर्डर्स मतलब टेंडर्स हमने एड्रेस किए हुए हैं। इसके अलावा कुछ करीब 5-6 हज़ार का वक्त ऐसा है जिसकी हमें उम्मीद है कि हम लोगों को नॉमिनेशन बेसिस पर मिल जाएंगे। इसमें रेलटेल का जो एक सीसीटीवी वाला कैमरा है वो लगभग 3,000 करोड़ का है जो हमने अभी एड्रेस किया हुआ है, जिसमें हमें आने के चांसेस हम पूरे पूरे बना सकते हैं। ओके। इनफैक्ट अच्छा सर, मैं एक चीज देख रहा था कि बहुत दिनों बाद किसी आपने आप किसी कंपनी के साथ एक आपने एग्रीमेंट किया है, आप एमओयू के अंतर्गत अगर आप देखें आप आए हैं, आपने आईसीआई के साथ एक करार किया था इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एंड सेमी कंडक्टर एसोसिएशन के साथ, थोड़ा सा इस एमओयू के बारे में बताइए, एग्जैक्टली आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखता है और इसका टॉप लाइन पे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? ये मेनली जो किया गया 5G एक्टिविटीज के लिए है, 5G में क्योंकि अभी इंडिया में काफी कुछ काम चल रहा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंटरप्राइज प्लस आईटीआई लीडिंग मैन्युफैक्चरर रहा है पास्ट में, तो दोबारा से क्योंकि जिसमें 2G 3G के इक्विपमेंट हमने काफी बनाए थे, अब जब 5G के जो इक्विपमेंट बनाने की बात आ रही है तो हम क्योंकि जो
IEF है उसमें 5G एक विलेज डेवलप करना है उनके साथ में मिलकर, तो उसमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारी फंडिंग होगी, उनकी एक्सपर्टाइज होगा, हमारा एक्सपर्टाइज होगा, कुल मिला के टेस्ट बेड्स के साथ साथ यूजर केसेस हो गए, एप्लीकेशन हो गए, प्लस इसमें इक्विपमेंट इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग का काम सारा इसमें किया जाएगा। तो अगले 1 से 2 साल के बीच में इसको काफ़ी कुछ मतलब हम लोग करने का प्रोग्राम है और ये इंडिया के लिए बहुत लीडिंग एफर्ट है। आज जैसे हम लोग यहाँ पे INCA बैठे हैं, ये पूरी 5G थीम थी इसकी, इसमें ITI का एक अहम रोल आगे चल के होने वाला है 5G मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा स्टार्टअप हब है, मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये दो लीडिंग एक्टिविटीज हमने ऑलरेडी ITI में शुरू कर दी है। तो जो IESA है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक सेमीकंडक्टर एसोसिएशन, वो इसमें भी ITI के साथ मिलकर काम कर रही है। इसके अलावा जो डीप टेक पार्क बनाने का चल रहा है, जिसमें जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, चाहे तो वो इंटेलिजेंट क्वेश्चेंट है, जितना भी आपका रोबोटिक्स है, जितनी भी नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उन पर हम IESA के साथ मिलकर काम करेंगे ताकि जो पहले ITI के साथ हुआ है वो आगे रिपीट ना हो। ओके सर, अभी तक हमने टॉप लाइन के बारे में बात की और आपके कुछ मूव्स के बारे में बात की, ये बताइए कि एग्जैक्टली आउटस्टैंडिंग डेट लायबिलिटी के जिक्र में बात करूं तो आउटस्टैंडिंग डेट कितना है उस वक्त ITI के ऊपर? जो डेट डेटस जो है लगभग 2600 करोड़ के हैं और लायबिलिटी लगभग हमारे पास 1900 करोड़ की है मोटे तौर पर। तो 2600 में मेनली जो 1400 करोड़ का जो डेटस है, डेट इज फ्रॉम द BSNL, लेकिन अभी BSNL के साथ हमने पूरा बहुत डिटेल में पूरी एनालिसिस कर ली है, तो कुल लगभग 1400 करोड़ की जो हमारा डेटस फ्रॉम BSNL का है वो 750 करोड़, उसमें पूरा का पूरा हमारा बैक टू बैक वाला है, जो हमारे एग्रीमेंट के हिसाब से जो पैसा हमें BSNL से लेना है, वही पैसा इंटर्न हम अपने जो क्रेडिटर्स से उनको दे देंगे। तो 750 करोड़ तो ये है जो बैक टू बैक लाइबिलिटी है, प्लस 450 करोड़ ऐसा है जो BSNL का हमने एडवांस किया हुआ था, जो भी एडजस्ट करना बाकी है। तो 1400 करोड़ में कुल मिला के जो BSNL का पोर्शन हो जाएगा लगभग 217 करोड़ का हो जाता है। इसके हिसाब से अगले 3 से 6 महीने के बीच में इसको पूरा वर्क करके 1400 करोड़ जो लाइबिलिटी है इसको हम 215-220 करोड़ पर ले आएंगे। प्लस इसके अलावा 1200 करोड़ बचते हैं, उसमें जो गवर्नमेंट हमारे कस्टमर्स है, मेनली जो मेनली BBNL है, MPNL है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है और ESL है, इनके साथ भी हम लोगों ने काम करना शुरू कर दिया है, ताकि पहले कंपनी किसी कारण इस तरफ पूरा ध्यान नहीं दे पा रही थी, लेकिन अब पिछले 3 महीने से काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है। तो डेटस की जो लिमिट है इसको काफी कंसिडरेबली रिड्यूस कर लिया जाएगा, जिसे डेटस की लिमिट रिड्यूस करेंगे उसी हिसाब से, क्योंकि हमारे जो बैक टू बैक क्रेडिटर्स भी हिसाब से हैं लगभग 1800 करोड़ में करीब 1700-1600 करोड़ रुपये हमारे पास बैक टू बैक क्रेडिटर्स का है, तो जब डेटस हमारे कम होंगे तो ऑटोमेटिकली क्रेडिटर्स भी कम हो जाएंगे। अच्छा सर, एक चीज बताइए कि अभी आपने जो BSNL और MTNL में जो अपना प्रेफरेंशियल शेयर्स का रिडीम किए थे, उससे लगभग आपको 300 करोड़ रुपए की लिक्विडिटी मिली थी, इसको आप कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं या फिर करेंगे, और फंड रेजिंग प्लान क्या है आपका, ये बताएंगे जरा थोड़ा सा आप? क्योंकि इस समय 2002 में ITI ने प्रेफरेंशियल शेयर एलोकेट किए थे BSNL को प्लस MTNL को, 200 करोड़ के BSNL के प्रेफरेंशियल शेयर्स थे और प्लस 100 करोड़ शेयर्स MTNL के थे, तो क्योंकि गवर्नमेंट के वाइवर प्लान में ये प्रोविजंस किया गया था, तो हमने उनको इसको वापस कर दिया है, मतलब उसमें कहीं भी वो फंड्स में हमारे एलोकेट नहीं होंगे। हाँ, उसके बदले में BSNL ने कहा कि जो हमारे हमको BSNL से 100 करोड़ मतलब जो पैसा लेना है 100 करोड़ का जो डेटस है वो BSNL हमको पे कर देगा। ओके अच्छा, मैं एक चीज हर किसी पूछना चाहूंगा सर आपसे यहाँ पे, एक चीज ये भी है कि आपको अगर आप FPO भविष्य में लेके आते हैं तो उसकी जो भी प्रोसीड्स होंगे वो आपको ही मिलेंगे, तो इस बारे में FPO के बारे में आप कब तक सोचेंगे, इस बारे में कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे या फिर अब तक कभी भी बोर्ड में इस बारे में चर्चा हुई हो? हम लोगों ने कैबिनेट से अप्रूवल लिया था आज से 1.5 साल पहले, तो 18 करोड़ शेयर्स हमें फ्लोट करने हैं, तो क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर का अमाउंट पूरा का पूरा गवर्नमेंट इसमें इन्वेस्ट कर रही है, तो मेनली दो इसमें रीजंस दो रिक्वायरमेंट्स बताई गई थी इस समय हम लोगों को मनी की जरूरत थी FPO के लिए, उसमें तो था कि वर्किंग कैपिटल के लिए, दूसरा था कि जो हमारे बैंक से हम लोन है, वी वांट टू ए डेट फ्री कंपनी, लीस्ट डेट, तो जो बैंक का हमने लोन लिया हुआ है 995
इसका मेजर पोर्शन हम लोग रिपे करना चाहेंगे। तो दो पोर्शन के लिए ये मनी रेस किया जा रहा है, एक तो वर्किंग कैपिटल रेस करने के लिए ताकि जब नए कैपेक्स इन्वॉल्व होगा तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, प्लस ताकि जो बैंक का इंटरेस्ट रेट है वो थोड़ा सा हमको जब कम हो जाएगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा तो हमारे ऑपरेशन प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। तो दो रिक्वायरमेंट है मेनली वर्किंग कैपिटल, उसके अराउंड उसके लिए करीब 635 करोड़ रुपीज का प्रोविजन रखा गया है, प्लस इक्विटी जो हमने डेट लिया हुआ है बैंक से उसके लिए अराउंड 650 करोड़ रुपीज का प्रोविजन किया गया है आईपीओ में, एफपीओ में। ओके, तो 12 सप्ताह का किया गया है इसमें एफपीओ में। ओके, शुक्रिया सर, शुक्रिया इसकी बातचीत के लिए, आईटीआई की इनफैक्ट भविष्य की योजनाओं को लेकर, फंड रेजिंग प्लान को लेकर बातचीत करने के लिए, ऑर्डर बुक को लेकर बातचीत करने के लिए। एक बार आईटीआई स्टॉक लेके आई, एग्जैक्टली क्या कर रहा है अभी बातचीत के दौरान, अगर आप देखें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आया था 83 ऑलमोस्ट, आप देखिए ये एक हाई टच करके आया है, लेकिन निफ्टी काफी स्टेबल है, याद रखिए 11406। बीते आधे घंटे से इंट्रैक्शन चल रहा है आईटीआई की मैनेजमेंट के साथ, अब निफ्टी इस जोन में टाइम्स काफी कर रहा है, ये अच्छी बात है अपने आप में। अगर आप देखें एकाएक ऊपर जाके नीचे फॉल या फिर गिरावट या फिर तेजी नीचे आने की टेंडेंसी है ना, आज स्क्रीन पर नहीं है वो। खैर, एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे एसएमई क्वार्टर की, और आज जिनसॉल इंजीनियरिंग इसकी एक लिस्टिंग है और कैसी रही है लिस्टिंग, और मैनेजमेंट से बातचीत करेंगे कि एग्जैक्टली इनकी भविष्य को लेकर योजनाएं क्या है, फंड क्यों रेज किया है उन्होंने, कैसे यूटिलाइज करेंगे, छोटे से ब्रेक के बाद।